गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से मैथ्स की क्लास में जो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन, ये चैप्टर 4 है आपका मैथ्स में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डेटा हैंडलिंग के बाद ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका ये लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड इसका स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उस वीडियो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपल इक्वेशन में। तो एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आपकी लेट्स ट्राई 3 में, ट्वाइस द नंबर डिक्रीज्ड बाय 22 इज 48। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जब हमको इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो हमको पहले उसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हम लोग इसको इक्वेशन बना लेते हैं, पहले लिखा है ट्वाइस द नंबर, कोई नंबर है अगर उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं डिक्रीज्ड बाय 22, डिक्रीज्ड बाय 22 क्या दे रहा है वो गिव्स 48, वो हमको 48 दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्वाइस नंबर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो मान लो लेट द नंबर बी एक्स, यहां ये आपका सॉल्यूशन है, यहां से आप सॉल्व कर रहे हैं। आपने मान लिया कि नंबर क्या है एक्स, अब ट्वाइस द नंबर मतलब 2x, क्या कह रहा है डिक्रीज्ड बाय 22, मतलब अगर इसमें से 22 माइनस कर दिया जाए तो ये हमको क्या दे रहा है, ये दे रहा है 48, हमको मिल क्या रहा है 48। अब इसको आप सॉल्व करो, अब आप इसको चाहे ट्रांसपोजिशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहां आपका हो गया 2x इज इक्वल टू ये माइनस 22 पूरा का पूरा ट्रांसमिट करो, 48 प्लस 22, अब 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 8 और 2 4 और 2 6 और 1 7 70x इज इक्वल टू हो गया 70/2, इसको आप कैंसिल कर लो, 35x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 35। अब आप अगर ये जो दिया हुआ है इससे अगर इसको चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते, ट्वाइस द नंबर 35 2 70, उसमें से आप 22 माइनस कर दो, 70 से 22 माइनस कर दो 48 आ जाएगा, 2 into 35 माइनस 22 इज इक्वल टू 48। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये हुआ आपका 70 माइनस 22 इज इक्वल टू 48, ये हुआ आपका 48 इज इक्वल टू 48। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, ये करना नहीं है आपको, ये मैंने केवल एक चेक करने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन है उसको मैंने करके आपको दिखाया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो और भी ढेर सारे इसमें क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 गिव्स 8, फाइंड द नंबर, दसम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 38, फाइंड द नंबर, इस तरह के ढेर सारे सवाल है। इसको आप एप्लीकेशन बेस्ड, छोटा चैप्टर है ये, तो आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन लगाइए, जो बड़े चैप्टर्स है उसमें हम खुद ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन छुड़वा लेते हैं, लेकिन आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। दसम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर क्या होते हैं, एक नंबर आप मान लो x, एक नंबर मान लो x प्लस 2, दोनों को जोड़ दो, उसके बाद जोड़ने के बाद आना चाहिए आपका 38, फिर वो सॉल्व कर लो इक्वेशन से, वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 51, फाइंड द नंबर्स, लेट इसको भी मिटा देते हैं, 3 लगातार नंबर जो है उनका सम है वो क्या दिया हुआ 51। पहला नंबर मान लो लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आपका हो जाएगा x, अगला हो जाएगा आपका x प्लस 1, अगला हो जाएगा x प्लस 2 ना, और तीनों का सम क्या आ रहा है 51, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। अब 1x 2x और 3x, यहां आपका हो गया 3x, 1 और 2 मिलके 3 इज इक्वल टू 51। अब आप देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, अब यहां से आप 3 को ट्रांसफर यहां से कर दो, ट्रांसफर दूसरी तरफ, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 48/3, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन, ये कैंसिल हुआ 16, x की वैल्यू आ गई 16, ये नंबर हो जाएगा 17, ये नंबर हो जाएगा 18, 16, 17 और 18 को हम आपस में प्लस कर देंगे तो 51 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप ये लेट्स ट्राई 3 भी खूब अच्छे से मन लगा के सॉल्व करिए, बहुत छोटा चैप्टर है ये, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो लगाने का प्रयास करिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको आप लोग हमको आके बताइए, व्हाट्सएप पे भेजिए क्वेश्चंस को, हम उसको सॉल्व करके उसका वीडियो बना के जैसे भी होगा वो सब क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे। इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, ये 3 वीडियो में खत्म हो रहा है,
और इसमें और ढेर सारे सवाल है, मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व नहीं करा सकता, इसलिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सब आपको समझा दिए। तो आप इसको अच्छे से करिए और घर पे बैठ के सॉल्व करिए, जो चीज़ें नहीं आती हमको भेजिए। थैंक यू।